नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के विषय हिंदी सुलभ भारती का आठवां अध्याय, जिसका नाम है टीटू और चिंकी, जिसके लेखक है डॉक्टर विमला भंडारी। डॉक्टर विमला भंडारी जी का परिचय ऐसा है कि आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। सक्रियता से अर्थात जो वो कार्य करते हैं। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे के साथ का साथ देना चाहिए। यहाँ पर चित्र में मैं कौन है, तो आपको चित्र के आधार पर वाक्य बनाने हैं। जैसे पहले चित्र जो है, ये तीनों चित्र कहाँ से संबंधित है, बगीचे से या बाग से संबंधित है, तो इन्हें देखकर आपको अपने मन से वाक्य बनाने हैं। आगे हम अध्याय को पढ़ेंगे। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोकल में था, खोकल अर्थात पेड़ में जो छेद होता है नीचे उसमें, और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चों भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी, चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है, टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोकल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फूर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम उन्हें तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और नहीं इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़े परेशान हुए। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे, इस प्रकार से उनकी लड़ाई हो रही थी। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी, उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोकल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया और यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले से पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती, सुबह पो फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, यह एक मुहावरा है। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था, आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। अर्थात घर की लड़ाई में बाहर का व्यक्ति दुश्मन का काम करता है ना। तो उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तले पर चोंच मारने लगे।
जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक करके सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुँचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ ने समझाने की जरूरत नहीं थी माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी वे जान गए थे कि एक और एक 11 होते हैं। इस प्रकार से लेखिका ने एकता के महत्व को समझाया है। इसी के साथ में आपका यह अध्याय जिसका नाम है टीटू और चिंकी यही समाप्त होते। धन्यवाद।